हेलो एवरीवन। बेटा मैंने आपको जैसे चैप्टर 2 भेजा था, फिर हमने डाउट्स लिए, जितने भी डाउट्स थे। जिन बच्चों ने अभी वो डाउट सेशन नहीं लिया चैप्टर 2 का, वो डाउट सेशन भी जरूर देखेंगे, क्योंकि मेन लेक्चर्स में वो मिसिंग था। अब मैंने आपको चैप्टर 3 में 2 यूनिट है, एक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और एक थ्योरी ऑफ पोस्ट। वैसे समझने वाली बात है, ये सेम ना 11th क्लास में भी होता है, लेकिन 11th क्लास में इतना सा था, अब इतना सारा है। 11th क्लास में बच्चों को बस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बच्चों की तरह समझा देते थे, बच्चा खुश हो जाता था कि लैंड का मतलब जमीन होता है। यहाँ बच्चों ने अगर ध्यान से समझा होगा तो समझा होगा कि लैंड का मतलब जमीन ही नहीं होता। इट इंक्लूड्स ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फिर उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से बताई कि जो भी नेचर से फ्री में मिल रहा है सब लैंड में आता है। लेकिन अगर रिक्शे वाले को समझाऊंगे उसे समझ नहीं आएगा, रिक्शा वाला तो लैंड क्या ही समझेगा, है ना जमीन। बेटा तुम इसीलिए सीए कर रहे हो, तुम्हें इसीलिए समझाया जा रहा है कि इको में लैंड का मतलब क्या है। फिलहाल बेटा आपको यूनिट 1 यूनिट 2 दी थी। पहले यूनिट 1 में जो मिसिंग कंसेप्ट है वो मुझे बता दो, अगर बाय चांस कोई रह गया है। पेज नंबर, प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट रह गया। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? अच्छा पेज नंबर जो है आप शायद 3.13 पे कह रहे थे शायद कुछ। द्वारा द्वारा द्वारा, अच्छा जी सच्ची, यस 3.13 या 3.15 से लेके 3.21 तक, ऐसा क्या था इतने घन से इतने पेजेस के बीच में? वो मुझे ही पता है, नहीं मुझे पता तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। अगर मैंने उसे लेक्चर गायब था पूरा, 0.13 से ही होगा। आ गया था एंटरप्राइज प्रॉब्लम आगे, तो मतलब बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन से है ना बेटा। जो है आपने जो कहा ना कि मैंने उससे अगला लेक्चर बीच में मिस कर दिया, आप देखोगे तो आ जाएगा समझ उसके बाद। बेसिकली ये टॉपिक मिस है, प्रोडक्शन फंक्शन, जो मैं अभी समझा देता हूँ। शॉर्ट रन लॉन्ग रन कोई दिक्कत नहीं, ये मैं समझा देता हूँ। कोब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन ये लो, अच्छा ये मिस है पूरा का पूरा। मैं सही, एज इट इज 11th क्लास का टॉपिक है, एज इट इज, कुछ भी फालतू नहीं है। तो मैंने उन्हें ये कहा होगा कि तुमने, या तो मैंने उन्हें लेक्चर दे दिया होगा उससे, या मैंने कहा होगा कि तुमने समझ लिया मेरे से अलग से, इसलिए कुछ नहीं होता हमारे पे। आधा घंटा है, पेज नंबर 3.13। ओके बेटा कृति, पहले 3.15 से 3.21 तक समझा दूं। 3.13 आप जब आओगे तब समझा देंगे, और बताओ खुश रहो ठीक है। पहले 3.15 से लेके 3.21। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ बच्चों ने अलग अलग टाइम पे ज्वाइनिंग करी है। जो बच्चे मेरे से पहले ज्वाइनिंग पे समझ रहे थे शुरू से, जब मैं 5 से 6 11th क्लास में बुला रहा था, तो बेटा उन्हें तो मैंने ये पूरा कंसेप्ट करा दिया है। वैसे सही बताऊं तो मैं उनका तो ये मिस भी नहीं है, जो मिस उन्हें तो ये पूरा का पूरा 3.15 से लेके 3.21, पूरा 11th क्लास, पूरा 11th क्लास का प्रोडक्शन फंक्शन है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तुमने कहा, एक तो ये डाउट है यूनिट 1 में, अभी कर लेंगे, आधा घंटा है, तुम्हें सीए फाउंडेशन की तरह आधे घंटे में समझा देता। अच्छा यूनिट नंबर 2 में भी कुछ मिस है या ये कंप्लीट है जिसने देखी? मे भी, क्योंकि काफी बच्चे जिन्होंने देखी नहीं अभी। बेटा किसी ने यूनिट 2 देखा कंप्लीट? यूनिट 2 पूरा डन है या नहीं? 3.36 डाउट है, डाउट इज ए डिफरेंट थिंग, कंसेप्ट ना होना एक अलग चीज है। डन है, वेरी गुड, सुन के है ना बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही कहा बेटा अगर कुछ मिसिंग है तो उसका बहुत बड़ा रीजन होगा कि वो मिसिंग क्यों है। ऐसा नहीं है उस साल अगर मिसिंग था, अब आपने मुझे बता दिया, मैं वहां पे मिसिंग पे एग्जैक्ट फिट कर दूंगा, और इवन अगले साल के लिए मुझे पता चल गया। डन है भैया यूनिट तो, वेरी गुड, दिल को बहुत तसल्ली मिली है ना कि आज बस मेरे चैप्टर 3 में ऐसा कुछ मिसिंग हमारा खास नहीं। तो चैप्टर 3 पे अभी जरा आगे बढ़ते हैं, और ये पूरा का पूरा 11th क्लास का कंसेप्ट है। बुक से कहोगे तो बुक से पढ़ा देंगे अपना, इसी हमारे ICI का ग्रंथ है, ये हमारा ग्रंथ से पढ़ा देंगे, वरना 11th क्लास नोट से भी पढ़ा सकते हैं। मेरे पे 11th क्लास के नोट्स भी हैं, वो शॉर्ट एंड समराइज फॉर्म में होते हैं। बताओ बेटा जैसे तुम कहोगे, हैं नोट से बता दूं, बुक से, बुक से, नोट से, अब इस बात पे ना लड़ लेना तुम, स्टडी मैट से। नहीं पता था बेटा, भैया कम क्यों भैया, एक एक लाइन बताओ ना बे डंगरो, समझ तो लो पहले, बुक से रीड आउट कर लेंगे। समझने के लिए हमेशा नोट सही रहते हैं, जब समझ लो
बुक में जो फालतू ज्ञान दे रखा होता है उस फालतू ज्ञान को भी ले लेंगे। पहले बुक नोट से बड़ी जल्दी और सिस्टमेटिक वे में समझ में आ जाएगा आपको, और तुम टेंशन ना लो, बाकी हम जो भी रह जाएगा बुक से एक दो बातें अगर फालतू लिखी होगी तो लिख लेंगे। क्या भैया आधे घंटे में करा दोगे? तुम्हें तो मैं करा दूंगा, 11th क्लास में हमें लगता है टाइम। अब हो गए तुम बड़े बच्चे बेटा, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें हम आधे घंटे में पूरा का पूरा कंसेप्ट करा सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इजी है। लगने को मेरे को पता नहीं 6 पेज कौन से मिस हो गए, मैं घबरा गया था 1 सेकंड के लिए, लेकिन अभी कर लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं। और बेटा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बेटा जिसकी फीस नहीं आई बेटा वो उस पर ध्यान दे, है ना? सब मोह माया है हम मानते हैं, लेकिन हम इसी मोह माया के चक्कर में यहाँ बैठे हैं, वरना हम भी कहीं और इस समय पहाड़ों पे जा चुके होते, अपना पूजा पाठ कर रहे होते। जिसकी फीस नहीं है बेटा वो प्लीज फीस सबमिट करे, ठीक है ना? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं यहाँ पे बेटा। जो मेरे पे 11th क्लास पढ़े हुए हैं, जो जो है कृति, आपने ये 3.15 से 3 पॉइंट सेप्ट है बेटा, कि बेटा ये तो पूरा का पूरा 11th क्लास सीखोगे एज इट इज है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इतना टाइम नहीं था। आज ही तो बेटा हमने बुक खोली, इतना टाइम कहाँ, हमारे इतने बिजनेस चल रहे हैं भैया, इतनी भैया मीटिंग्स होती हैं, पार्टीज भैया, है ना? आज ही तो टाइम लगा था इको को उठाने का। दंगर हमेशा इको के साथ, हमेशा बचपन से ही सुतेलों की तरह बिहेव होता है। 11th 12th क्लास में बच्चा मैस अकाउंट्स देता रहता है, फाउंडेशन में भी आवाज नहीं आ रहा, नो को वगैरह कुछ कुछ था अभी अजीब सा तो देखा नहीं। चलो वो अजीब है वो ही बता देंगे, फिलहाल बेसिक करें फिर अजीब करते हैं। करते हैं अब जल्दी से आधे घंटे का खत्म। चैप्टर का नाम क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा जो लेक्चर्स हैं वो आपने अलग देखे हुए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर और बाकी सब कुछ हार्ड टॉपिक बता दिया, मैं बताऊंगा सबसे इजी रहता है ये, सबसे इजी। क्या भैया सबसे इजी क्या है इसमें? देखो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम क्या? प्रोडक्शन फंक्शन, तो इसी का ही मीनिंग समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा एक सिंपल फंक्शन क्या होता है ये समझो, एक सिंपल फंक्शन। भैया आपने तो भैया फंक्शन अटेंड करे हैं, मैरिज फंक्शन है ना बेटा, वो वाला फंक्शन नहीं है पहली बात। ये मैथ्स वालों ने सुना होगा मे बी, एक फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स, है ना? एक जनरल फंक्शन का काम क्या होता है? एक जनरल फंक्शन का काम होता है रिलेशनशिप बताना। क्या बताना? रिलेशनशिप किसके बीच में? दो वेरिएबल्स के। भैया कौन कौन से दो वेरिएबल है वो? एक वाई और एक एक्स। क्या बात समझ? एक सिंपल फंक्शन आपको क्या बताता है? रिलेशनशिप किसके बीच में? दो वेरिएबल्स वाई और एक्स। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये भी क्या बताएगा? रिलेशनशिप। कितने वेरिएबल्स में? दो। अब वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं? एक तो खुद प्रोडक्शन होगी, एक तो खुद क्या होगी, जिसे हम कहते हैं, इस पे डिपेंड करती है इनपुट पे। भैया कौन कौन से इनपुट? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिसे मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहता हूँ। जिसे मैं क्या भी कहता हूँ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दोबारा अगर मैं एक लाइन आपको समझानी करूँ तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो कर रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन शो कर रहा है रिलेशनशिप। किसके बीच की रिलेशनशिप भैया? बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। और भैया यहाँ पे इनपुट क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप सिंपल समझो, मेरे पे जितनी जमीन, जितना पैसा, जितनी लेबर, मेरी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा, और मेरे पे जितनी जमीन कम, जितनी लेबर कम, जितना पैसा कम उतनी प्रोडक्शन कम। क्या इस बात से एग्री करते हो? या जैसे निखिल एसोसिएशन, अंधा पैसा है, कोई कमी नहीं है, तो अगर अंधा पैसा है तो हम प्रोडक्शन भी क्या कह सकते हैं? अंधा। जैसे अडानी आज के दिन, जैसे मैं पता नहीं किसी बैच में बता रहा था, अडानी का आजकल ऐसा सीन हो गया, जैसे तुम बिस्कुट नमकीन खरीदने जाते हो ना, कि चलो यार मन कर रहा है कुछ खरीद ले, तो वो ऐसे ही आजकल घर से निकलता है और कंपनी खरीद लेता है। चल भाई अच्छा ये ACC कंपनी बिक रही है, चल इसे खरीद ले। अच्छा चल ये पोर्ट का बिजनेस बिक रहा है, चल इसे खरीद ले। चल अच्छा ये एयरपोर्ट का बिक रहा है, चल चल ले 100 रुपये तू भी आ जा। वो ऐसे आज के दिन लगा हुआ है, मजाकों की तरह वो खरीदे जा रहा है। मतलब उसने एक अलग ही लेवल पे इस समय काम कर रखा है अडानी ने, टॉप 3 और टॉप 4 रिचेस्ट मैन में आ गया। मतलब पता नहीं कहाँ से भाई साहब, यहाँ सोचने वाली बात है, हमारे जैसे लोग में सही, मतलब इतने से पैसे नहीं कमा रहे, सरदर्दी इतनी, और वो भी सही से मैनेज नहीं हो रहा। वो बंदा 113 बिलियन करोड़, 113 बिलियन US डॉलर कमा के बैठा हुआ है अपना आराम से, वो सब मैनेज कर रहा है। पता नहीं भाई साहब, पोर्ट का बिजनेस भी चल रहा है, एयरपोर्ट का भी चल रहा है, उधर से कोल का भी इम्पोर्टर बना हुआ है, उधर से सोलर एनर्जी का बिजनेस चल रहा है। भाई साहब सही में धंधा करना तो इसे ही कहते हैं, ठीक है ना? तो बेटा ये माइंडसेट जब आपका बनेगा ना कि हमें भी उस लेवल पे जाना है, तभी जाओगे।
अगर आपको माइंडसेट ही नहीं है कि हम उस लेवल पे जा सकते हैं तो फिर तो कभी पहुंचोगे ही नहीं। तो फिलहाल ये क्या शो करता है, इट शोज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट खुद क्या है, प्रोडक्शन, और इनपुट क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये एक सिंपल फंक्शन होता है जहां पे एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई की जगह क्या लिखेंगे, आउटपुट, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या बात क्लियर है, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट भैया? डाउट नहीं होना चाहिए कि भैया के कैसे लिख दिया कैपिटल में। बेटा कैपिटल, बेटा हर एक चीज के ना लॉजिक नहीं होते, बस हमारा मन करा कि कैपिटल को हम शॉर्ट में किससे बुलाएंगे, के से, तो हम किससे बुला रहे हैं, के से। कुछ कर सकते हो हाँ, आउटपुट को किससे, क्यों से, क्लियर है? तो ये होगी सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन की बेसिक बात। अब जब आप फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करते हो ना, तो तीन तरह की प्रोडक्शन हो सकती है, टीपी, एपी और एमपी। टीपी का दूसरा नाम होता है टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एपी का फिजिकल प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है? अच्छा भैया, हमने मान ली कि तीन प्रोडक्ट है, टीपी, एपी और एमपी। भैया अच्छा एक बात बताना भैया, फैक्ट्री किस चीज की लगा रहे हो, बताओ बेटा किस चीज की, बताओ क्या बिक रहा है आज के जमाने में, क्या बिक रहा है आजकल, किस चीज की डिमांड है, लगा देंगे एग्जाम्पल ले लेंगे उसी के, वही दो तीन एग्जाम्पल ले लेंगे, बताओ बेटा खुल के बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसकी, कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स के अलावा कौन सी बात आवाज आई भाई, ऑनलाइन वाले भी आंसर दे दो, मैं गर्मी में बैठ गए हैं। कौन सी, अल्कोहल। ये देखो मुझे पता था, ये हमारे पुराने बच्चे हैं, इन्होंने ही आंसर देना था। हाँ ब्लू लेवल, अच्छा ब्लू लेवल चल रही है कि भाई कितने की है बता भैया, ब्लू लेवल, ब्लू लेवल पीनी है इन्होंने। चलो अल्कोहल बेटा सिंपल सी बात है, मेरे तो दिल के बहुत करीब ये बिजनेस है, तुम कहीं पता नहीं कुछ और समझ गए हो भाई, अंधा पैसा यही है, सिंपल सी बात ये है, बंदा खुश है तो पिएगा ही पिएगा, आज तेरा भाई देख क्या करके आया, और दुखी में तो ज्यादा पिएगा। तो बेसिकली डिप्रेशन हो या बूम पीरियड हो, ये बिकेगा ही बिकेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोविड में सारे धंधे कम बंद हो गए, लेकिन यही एक धंधा था अपना, वो दिल्ली की एक लेडीज भी फेमस हुई, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अपना लगने दो कोविड दो महीने को, मेरे पे स्टॉक अपना फुल है, अपनी जिंदगी कटते रहेगी, है ना। तो ब्लू लेबल की बात करते हैं, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल, जो मर्जी समझो, हमें तो पता नहीं, ये बच्चे ही बताते हैं ऐसे ऐसे ब्रांड, हमें तो इतना पता है अल्कोहल बिकती है मार्केट में, 2600 के ब्लू लेबल की होता है। चलो फिलहाल भी डंगरो प्रोडक्शन की बात कर लो, डीप में चले जाते हो वहीं। अगर मैं अल्कोहल की प्रोडक्शन करूंगा, एक दिन में कितनी बना लें सर, ऐसा करो एक दिन में 10,000, मैं तो बस 1,000 ही कहने वाला था, बच्चे कह रहे 1,000 में क्या होगा भैया हमारा, अच्छा 10,000 पे भी बच्चे गुस्सा में, बेटा एग्जाम्पल है, दिल पे न लगाया करो। ये है टोटल प्रोडक्शन, ये क्या है, टोटल। टोटल प्रोडक्शन का मतलब मैं जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करता हूँ, किसका यूज करके, बाय यूजिंग गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। सिंपल एक ही लाइन याद रखना, टीपी मींस टोटल गुड प्रोड्यूस बाय यूजिंग द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। अब फॉर एग्जांपल 10,000 बोतल बनाने के लिए, 10,000 बोतल बनाई मैंने एक दिन में, और मैंने 1,000 लेबर रखी फैक्ट्री में, कितनी, 1,000। तो एक बंदे ने कितनी बोतल्स के प्रोडक्शन करी, तो वो कैसे निकलेगा, 10,000 अपॉन 1,000, मतलब टीपी अपॉन एल, तो वो कितना आ जाएगा, 10। तो देखो फैक्ट्री अल्कोहल की है, वहां का टीपी क्या निकल रहा है, 10,000, उसी फैक्ट्री का एपी क्या निकल रहा है, 10, क्या समझ में आ रहा है, और उसी फैक्ट्री का एमपी कुछ अलग निकलेगा। ये टीपी को मैं टीपीपी कहता हूँ, क्या कहता हूँ, टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। एपी को कहता हूँ एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और एमपी को कहता हूँ एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मेन बात, टीपी, एपी, एमपी में, इन तीनों में क्या फर्क है, टीपी, एमपी में तो फर्क समझ में आ गया। एवरेज पूरी इको में याद रखना, मैंने पहले ही बताया होगा, एवरेज ऑलवेज शोस अबाउट पर यूनिट, ये हमेशा एक यूनिट के बारे में बताता है, मतलब एक लेबर कितने गुड्स बना दिया। भैया एमपी का मतलब क्या है, मार्जिनल पूरी इको में एक ही चीज के बारे में बताएगा, चेंज। तो भैया एमपी क्या बताएगा, फॉर एग्जाम्पल 1,000 लेबर ने मिलकर कितने, 1,000 लेबर ने मिलकर कितने प्रोडक्शन कर रहे थे अभी, 10,000। मैं एक और लेबर लेके आया, नहीं, और मेरी प्रोडक्शन 10,020 होगी। ये जो नया बंदा आया इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट थी, तेरा भाई ज्यादा पिएगा तो ज्यादा बनाएगा, तो उसने एक दिन में कितनी बनाई, 20। तो एमपी कैसे निकलता है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, 20 अपॉन 1, ठीक है। तो तीनों में फर्क समझ में आया या नहीं, तीनों में फर्क समझ में आया, फॉर्मूले से याद रहेंगे, एपी का टीपी अपॉन एल, एमपी का डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। और अगर यही वाला जो फॉर्मूला था
एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एल था ना, तो इससे एपी इंटू एल से क्या भी निकल सकता है, टीपी। एग्री? जहां पे हमारे एग्जांपल में एक लेबर की प्रोडक्शन कितनी थी, एवरेज प्रोडक्शन 10, लेबर कितनी थी 1000, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी 10000। क्या बात क्लियर है? तो तीनों फॉर्मूले याद रखने, दोबारा लिखूं तो बेटा कैसे लिखने, टीपी का क्या है, टीपी का तो हो गया एपी इंटू एल, और अभी समझा देंगे एक इसका सिग्मा एमपी भी होता है। क्या भी होता है? सिग्मा एमपी। एपी का क्या है, टीपी अपॉन एल, और एमपी का क्या है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर, टीपी एपी एमपी क्लियर। एग्जांपल से समझाने का मतलब एक ही है, और वो मतलब क्या है, जिससे कि आपको चीजें याद रहे और आप सो मत। क्लियर सी बात है, क्योंकि बेटा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है हमारे सामने, बच्चा जाग के ध्यान से सुनता रहे, पता चला ऐसे गिर रहा है ऐसे गिर रहा है, वो होना नहीं चाहिए। और मुझे मतलब वैसे मैं ऐसी एग्जांपल को मानता था, लेकिन आजकल ही किसी प्रिंसिपल से बात हो रही थी स्कूल के मेरे, तो मतलब उसने मुझे एक लाइन की मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा सर मैं जब भी कोई लेक्चर देता हूँ मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चा कंसंट्रेट होके पढ़े, उसके हाथ में कॉपी पेन रहे, लिखता रहे साथ में, तो कंसंट्रेशन बनी रहती है। तो उसने बहुत अच्छी चीज़ कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसे। उसने कहा सर कंसंट्रेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेशन ब्रेक हो, कंसंट्रेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेशन क्या हो, ब्रेक। बेटा अगर ब्रेक ना हो, और ये बात बिल्कुल सही, अगर कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, अगर कोई काम आप कंटिन्यूसली करते रहोगे ना, तो ऑफकोर्स आप ऐसी पोजिशन पे आ जाओगे कि बस आप चल बसोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेशन क्या होती रहनी चाहिए, ब्रेक होते रहने चाहिए। फिर उसने एग्जांपल भी दिया, बात बिल्कुल सही है बेटा, इंडिया में जो हाईवे हैं उस पर पहले कंसंट्रेशन ब्रेक होने के लिए कभी गड्ढे आ रहे हैं, कभी ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, कभी पैदल लोग घुस जाते हैं, कभी जानवर घुस जाते हैं, तो हम सोने का कोई मतलब ही नहीं, आग खुली रहती है। जो बाहर जहाँ अच्छी कंट्रीज हैं ना, वहाँ के हाईवे इतने अच्छे हैं, वो 5-5, 6-6 घंटे चल रहे हैं, कोई आता ही नहीं, उन्हें नींद बहुत जबरदस्त आते हैं, घंटे बेटा वहां होते ही नहीं। वहां तो आपको पता है मैन्युपुलेटिव, जिसे कहते हैं डुप्लीकेट, फेक 3D इमेजिनेशन से क्या बनाने पड़ते हैं, स्पीड ब्रेकर, ओनली फॉर कंफ्यूजन, कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि गड्ढा है, एक्चुअल में है नहीं, जिससे वो कंफ्यूज होके जाग जाए, जिससे कि क्या ब्रेक हो, कंसंट्रेशन। तो इसीलिए बेटा मुझे बात अच्छी लगी, मैंने कहा आपको बता दूं कि ये बहुत जरूरी। फिलहाल टीपी एपी एमपी समझ में आ गया या नहीं, कोई डाउट? नेक्स्ट कंसेप्ट, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं, नहीं सही पता चला अपना, बिस्कुट नमकीन चॉकलेट चल रही है साथ में, हाँ पढ़ रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम ऑनलाइन वाले काम ये कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। यस का मतलब क्या था कि भैया हाँ चल रहे हैं साथ में, भैया हम तो साथ में दोनों काम कर रहे हैं। हाँ चलो बेटा सही है, पढ़ते भी रहो खाते पीते भी रहो, क्या दिक्कत की बात है। अब जो ये इनपुट थे हमारे, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, दो तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल या फिक्स। भैया क्या फर्क होता है दोनों में, या नाम से ही क्लियर है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, जो चेंज होता है, और फिक्स का मतलब कॉन्स्टेंट, जो चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल इनपुट का मतलब क्या है, वो इनपुट जो चेंज होंगे प्रोडक्शन के चेंज होने से, और फिक्स इनपुट वो इनपुट जो चेंज नहीं होंगे, किसके चेंज होने से, प्रोडक्शन के चेंज होने से। क्या बात समझ में, जो चेंज हो जाएगा वो वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होगा वो फिक्स। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा, दोस इनपुट विच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, एग्जांपल लेबर और कैपिटल, दोस इनपुट विच डू नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, एग्जांपल लैंड और मशीन। ठीक है ना, आप अगर अपने प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जमीन लैंड और मशीन को बढ़ाओगे, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो ये जरूरी है कि आप अपने लेबर और कैपिटल बढ़ाओगे। क्या बात क्लियर है? ये तो हुआ वेरिएबल और फिक्स इनपुट का मीनिंग। अब ये समझाना जरूरी है, तभी आपको क्या समझ में आएगा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। पहली बात, ये टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड, कितना समय हो गया। या बेसिकली जब हम कोई इको में कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, जब हम कोई इको में, तो या तो वो शॉर्ट रन में पढ़ते हैं या वो लॉन्ग रन में। 11th क्लास में जो बच्चा माइक्रो पढ़ता है वो खाली शॉर्ट रन में पढ़ता है, क्योंकि वो बच्चा है, नया नया आया है अभी बेचारा। जब आप सीए फाउंडेशन में इको पढ़ रहे हो, आप शॉर्ट रन के साथ कौन सा भी कंसेप्ट पढ़ते हो, भैया फर्क क्या है दोनों में, पहले सुनना। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे कुछ इनपुट वेरिएबल
और कुछ फिक्स है, और लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सारे के सारे इनपुट वेरिएबल हैं। मतलब भैया लॉन्ग रन में लैंड और मशीन नहीं होती क्या? लॉन्ग रन में ये फिक्स इनपुट भी किस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेरिएबल। लॉन्ग रन में इतना टाइम मिल जाता है, लॉन्ग रन में इतना टाइम मिल जाता है कि मैं इस इनपुट को भी बढ़ा सकता हूँ। शॉर्ट रन में जमीन लेना आसान नहीं है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कोई भी एक्स गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन लिखता हूँ। मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री की 10,000 यूनिट। कितनी यूनिट? इस जमीन पे 10,000 यूनिट बन सकती है। मैंने 3 महीने शुरू के 5,000 यूनिट बनाई, क्योंकि शुरू शुरू में जब फैक्ट्री सेटअप होती है तो क्या फुल यूटिलाइजेशन होता है मशीन का? फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता। 3 महीने से 9 महीने प्रोडक्शन 8,000 हुई, प्रोडक्शन बढ़ी, क्या लैंड बढ़ेगी? क्या लैंड नहीं बढ़ेगी। 9 महीने से 12 महीने 9,000 हुई, अब भी लैंड नहीं बढ़ेगी, फिक्स है। लेकिन अब 12 महीने के बाद तुम्हें कहा निखिल एसोसिएशन का नाम पूरी दुनिया में है, अब प्रोडक्शन 18,000 हो रही है मेरी, तब जमीन भी, अगर जमीन बढ़ गई तो ये कौन सा इनपुट बढ़ गया? वेरिएबल, फिक्स है। इसीलिए लॉन्ग रन में सारे इनपुट कौन से हो जाते हैं? वेरिएबल। आई होप सो बात समझ में आ रही है। शॉर्ट रन में कुछ फिक्स, कुछ वेरिएबल। और जो ये लो वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में, ये शॉर्ट रन पे है। और जो दूसरे वाला है रिटर्न टू स्केल जिसने पढ़ लिया, वो किसका है? लॉन्ग रन का, ये जो भी पढ़ेगा, ठीक है। तो भैया लो वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या? पहले तो मतलब मेरा सही में ऐसा मन करता है कि यार क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्या मजबूरी है ये पढ़ाने की? क्योंकि मतलब ऐसा कंसेप्ट है कि जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली, मतलब बच्चों वाली बात, पता क्या कहते हैं, मैं कसम खाते हैं, चलो आज हम ओथ ले रहे हैं, जैसे तुम बचपन पे लेते थे, है ना? नहीं नहीं इतना भी सीरियसली नहीं, लेनी है बस ओथ, ये याद रखना है। भैया क्या कसम खिलवा रहे हो हमें? आज हम कसम खा रहे हैं भैया। भैया क्या कसम खा रहे हैं? भूख लग रही है बेटा, खा पी के आना चाहिए। वैसे मैं एक बात कह दूं, हेल्थ इज वेल्थ, इस बात को याद रखना। जिस दिन मेरे पे टाइम होगा मैं अपने सीए फाइनल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, सीए फाइनल का। मैं भी मतलब तुम तो अभी बेटा बच्चों में यही कहूंगा फाउंडेशन में, जहाँ पे फिर भी तुम खाने पीने का सोच रहे हो, फाइनल में तो और प्रेशर बढ़ जाता है, उस समय और करियर की टेंशन बढ़ जाती है, तो हम बिल्कुल भी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। लेकिन फिर बेटा आखिरी दिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, पता चला बॉडी ने ब्लास्ट कर दिया अंदर से, पेपर वाले दिन वहीं खा के चक्कर खा के गिर गए, आँख ही नहीं खुल रही, फिर पेपर कैसे लिखूंगे? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, टाइम ही टाइम है, बताओ आप, बताएंगे बेटा करो, कंसेप्ट कवर कराने तो बता दूंगा, इतनी बात गारंटी है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना कह रहा हूँ, हेल्थ इज वेल्थ, इतनी बात याद रखना, वरना सिंपल सी बात है कि अगर पेपर वाले दिन ही गिर गए, आँख नहीं खुल रही, हाथ नहीं चल रहा, सर फट रहा है, फिर क्या करूँगे इतना पढ़ के, कोई फायदा ही नहीं। हमेशा बेटा टाइम पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और ये आपकी जिम्मेदारी है। 11th 12th क्लास वालों को नहीं कहता, वो वैसे ही नहीं पढ़ते डंगर, उन्हें तो कहूँगा भाई पढ़ लो, खा पी बाद में लेना। लेकिन तुम बच्चे थोड़े से सीरियस हो जाते हो, थोड़ी सी बीपी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है इस एज में, तो तुम्हें कहूँगा कि हेल्थ का ध्यान रखो, तभी ही पढ़ने का और अपना आउटपुट अपना मैक्सिमम दे सकते हो। हाँ फिलहाल कसम खा रहे थे, खाएंगे पिएंगे वो बाद में, पहले कसम खा रहे हैं कंसेप्ट के लिए। एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे भैया। कौन से भैया? भैया पहले तो अल्कोहल की लग गई, अब सिगरेट की लगा लेते हैं, दो ही चीज़ें हैं जिसका अंधा धंधा है भाई साहब, अंधी है। क्या कह रहे हो बेटा? मेरी हेल्थ इज वेल्थ है, ये इन्हें तो मैं छूता भी नहीं, ये तो बस बना रहा हूँ बेचने के लिए, दूसरे पिए हमें कौन सा कोई दिक्कत है, हमें तो पैसा कमाना है, पीनी तो है ही, डंगरों ने मानना तो है नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ सिगरेट ही तो कहा बेटा मैंने, सिगरेट लिख तो दिया, एक हो गया अब सिगरेट, दूसरा प्लांट अपना, ये दो ही चीज है जहाँ पे अंधा पैसा है, बिल्कुल बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अब भैया सिगरेट की फैक्ट्री लगा रहे हो, कसम क्या खिलवा रहे थे भैया? मैं कसम ये खिलवा रहा था, मैं इस फैक्ट्री में एक मशीन लेके आया, इस मशीन की कैपेसिटी एक दिन की 1 करोड़ सिगरेट बनाने की है, ठीक है। लेकिन अब मैंने कसम खा ली, आज के बाद मेरी फैक्ट्री में नई मशीन आएगी नहीं। भैया ये क्या बात है? भाई मैंने खा ली, मेरी मर्जी, मशीन आनेगी नहीं आज के बाद। भाई साहब मशीन के लिए यहाँ पे जो दरवाजा है उस दरवाजे पे मैंने लॉक कर दिया, भाई मशीन नहीं आनेगी। खाली अगर फैक्ट्री में आएगा तो बस क्या आएगी? लेबर, लेबर और लेबर। भैया ये कौन सी बात हुई? मेरी मर्जी, मैं बना रहा हूँ लोग,
ये लो है, क्या लो है? लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भैया क्या है ये लो? ये लो कहता है फैक्ट्री में एक बार एक फिक्स इनपुट आ गया, उसे कर दो फिक्स। भैया क्यों कर दो? भाई मैं कह रहा हूँ लो है भाई, करना पड़ेगा। हमने एक फिक्स इनपुट लिया है तो बस उसे एक ही रखेंगे, उसके बाद फैक्ट्री में कॉन्टिन्यूसली क्या आएगी? लेबर, लेबर और लेबर, 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 लेबर लाते रहो, बस क्या नहीं आएगी? मशीन। तो भैया इससे होगा क्या? भाई सिंपल सी बात है, शुरू में प्रोडक्शन बढ़ेगी, शुरू में प्रोडक्शन, और कुछ समय बाद प्रोडक्शन क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम। उसका पीछे का लॉजिक, सिंपल लॉजिकल रीजन क्या है? भाई शुरू में लेबर को मशीन मिलेगी काम करने के लिए, लेकिन एक समय तो ऐसे ही आएगा ना फैक्ट्री में कि लेबर इतनी ज्यादा हो जाएगी उसे क्या ही नहीं मिल रही है। मैं कहूँ तुम पढ़ने आओ लेकिन कॉपी पेन ना लाना, बस आते रहना, सारे बच्चे आते रहना। भाई जब कॉपी पेन होंगे तभी तो पढ़ेंगे, अब वहां पे लेबर आ रही है उसे क्या ही नहीं मिल रही, तो वो करेगी क्या? और खाली बंदे का काम पता क्या होता है? खुद तो कुछ ना करना, दूसरे को अलग तंग करना। ये हमेशा देख लेना आप बैचेस में या स्कूल में, तीन अगर एक बच्चा है पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात, अगर वो खाली बैठा है खुद तो पढ़ेगा नहीं, साथ वाले को अलग छेड़ेगा, और भाई, और भाई क्या कर रहा है, ये देखना मैं क्या करता हूँ। ये खाली बंदे का काम है, खुद भी कुछ ना करना, दूसरे को और उंगली करना, भाई तू भी कुछ ना कर, यही हमारा लोग है। भैया इसे थोड़ा सा अच्छा सा लिख देंगे, मेकअप कर देंगे इस पे, अच्छा सा लगेगा। अब भैया देखो मेकअप करने के बाद कैसा लगता है। हम क्या कह रहे हैं, इट स्टेट्स दैट एज वी एम्प्लॉय या इंक्रीज, जब हम इंक्रीज करते हैं क्या, मोर एंड मोर वेरिएबल इनपुट, जिसे ब्रैकेट में क्या लेबर, एंड फिक्स इनपुट, जिसे ब्रैकेट में क्या कहा, इसे कॉन्स्टेंट रखो। तो शुरू में टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर टीपी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, और फिर फाइनली टीपी क्या होगा, डिक्लाइन। और ये टीपी की शेप है, ये पहले वो कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, फिर वो बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और फिर वो फाइनली क्या हो रहा है, फॉल। ये टीपी का बिहेवियर है, ठीक है। और एमपी का तो बड़ा सिंपल, एमपी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा फिर जीरो और फिर नेगेटिव। बेटा ये याद रखना, इस पे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी रिलेशनशिप बन सकता है। बेटा इसे दो बार बना लेना, घर जाके समझ लेना लो वेरिएबल प्रोपोर्शन का द्वारा, लो क्या कह रहा है वो तो आपको याद रहेगा। और मैं यहाँ पे ना ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स या उस पर फोकस नहीं रखता, क्योंकि एमसीक्यू आना है, लिख के नहीं आना, समझ लिया तो बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल इनपुट को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहो, फिक्स इनपुट को कॉन्स्टेंट रखो, देन इनिशियली टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इट विल इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, फाइनली इट विल डिक्रीज, और एमपी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा फिर डिक्रीज होगा। और ये तीन स्टेजेस बन जाती है, पहले इतने को हमने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट, इतने को हमने क्या नाम दे दिया, सेकंड, और इतने को हमने क्या नाम दे दिया, थर्ड। फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से और एमपी बढ़ रहा है, फर्स्ट के लास्ट पे एमपी किस पे, अपने मैक्सिमम पे। सेकंड पे क्या हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, सेकंड के लास्ट पे टीपी मैक्सिमम पे, सेकंड पे एमपी जीरो हो रहा है, सेकंड के लास्ट पे वो जीरो है, सेकंड पे डिक्रीज और लास्ट पे जीरो, थर्ड पे एमपी नेगेटिव है और टीपी क्या होने शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होने शुरू हो जाएगा। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, टीपी और एमपी का क्या बिहेवियर है, क्या बात समझ में आई है। आपकी ड्यूटी है कि इसे आप घर जाके शेड्यूल कर्व को बनाओगे, और इसी कर्व से शेड्यूल बना हुआ है, ये देखना, मशीन कॉन्स्टेंट रख के 1111111, वेरिएबल इनपुट को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाया 1 2 3 4 5 6 8, तो एमपी पहले बढ़ेगा 2 3 4, उसी के साथ का टीपी शुरू में बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीज, फिर बस इसी को हमने इस चीज में लिख दिया, क्या बेटा बात समझ में आई है। इसी चीज को अगर मैं, अब जो मैंने कहा था कि मैं आधे घंटे में आपको काफी कुछ करा दूंगा, आधा हुआ भी नहीं, 25 मिनट हुए, 20 से 25, अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि हमने क्या क्या कर लिया अपने इस कंसेप्ट से 3.1 से 3.2 पर, तो प्रोडक्शन फंक्शन खत्म, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना। फिर प्रोडक्शन फंक्शन के बाद शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, मैंने बड़े सिंपल में बताया, अभी का काम है भाई साहब ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज करना कि जिससे चीजें हार्ड लगे, लेकिन है नहीं, वही है जो मैंने आपको समझाया है कि इकोनॉमिक एनालिसिस में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो बेसिक फर्क है, एक तो क्या ही होता है, टाइम मेजरमेंट, लेकिन टाइम के अलावा जो मेजर होता है वो होता है अमाउंट ऑफ इनपुट, हम वेरी कर सकते हैं या नहीं। बेटा मैं यहाँ फर्स्ट सेकंड क्लास को नहीं पढ़ा रहा कि मैं एक एक क्लाइंट पढ़ाऊंगा, मेरा काम है समझाना, और कंसेप्ट मैंने पूरा समझा दिया। प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों में पढ़ा जा सकता है, और वही बात मैंने लिखी हुई है, जिसपे क्वेश्चन बनेगा वो वही है। लॉन्ग रन में जब पढ़ते हैं तो रिटर्न टू स्केल कहते हैं,
शॉर्ट रन में लो वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है जो हमने पढ़ा, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया, अगर दो मिनट में अभी बता दूं कोब डॉगलस क्या है। ये एक फेमस स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन फंक्शन है। ये भाई दो लोग थे, खाली लोग, कुछ काम नहीं है जिंदगी में अपना, एक क्या बना के चले गए, एक प्रोडक्शन फंक्शन का रिलेशनशिप बना के चले गए। ये इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया हुआ है कोब डॉगलस ने, दोनों ने मिलकर खाली बैठे होंगे, भाई साहब आ जाओ जी एक रिलेशनशिप बना देते हैं। इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया कि जो हमारी आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगी, कैपिटल, लेबर, सॉरी लैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है एल का मतलब क्या है लेबर, के और ए क्या है कॉन्स्टेंट, और सी का मतलब क्या है कैपिटल, और क्यू का मतलब क्या है आउटपुट। कि जो मेरी आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगी, लेबर और कैपिटल पे। किसका बेटा, कैपिटल बेटा, ठीक है ना। और एल का मतलब लेबर, और के और ए क्या है कॉन्स्टेंट, कि हम कितना के और ए रखेंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या आ सकते हैं, आउटपुट आ सकता है, और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, इन्होंने एक फंक्शन बनाया काफी मेहनत करने के बाद कि भाई ये फंक्शन है कि जो मेरी आउटपुट है वो किस पे डिपेंड होती है, लेबर और कैपिटल। लेकिन लेबर और कैपिटल के साथ दो कॉन्स्टेंट आपको और रखने पड़ेंगे, एक के और एक ए, इसके बीच में ज्यादा नहीं जाना है, बस याद रखने। कोब डॉगलस ने क्या दे रखा है, एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है। ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्होंने स्टडी करके निकाला था। ये प्रोडक्शन फंक्शन एक इंडिविजुअल फर्म पे लगता, पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे लगा था कि हम कितने गुड्स बना सकते हैं कितनी लेबर और कैपिटल यूज करके। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल को निखिल यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन बना रहे और मैं कह रहा हूँ जो मेरी प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड होगी, लेबर और कैपिटल, मैंने बस ये बताया एल इंटू सी, तो ये क्या कहेगा कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लेबर रख रहे हो और 1000 यूनिट कैपिटल के लगा रहे हो तो आप कितने प्रोडक्शन में कर सकते हो, 10,000। ऐसा होगा नहीं, ये मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद, दिन रात ना सोने के बाद, घर से खाली थे तो उन्होंने बना पाए, है ना। मजाक में कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक रिलेशनशिप को प्रूफ करने में, उसे बार बार शो करने में, ठीक है ना। तो बस ये एक थ्योरी बन गई। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने आपको समझा दिया शायद बहुत अच्छे से, टीपी, एपी, एमपी का मीनिंग समझा दिया, ये शेड्यूल बता दिया आपने एक तरीके से, और जो ये रिलेशनशिप है, कुछ नहीं होता, ये रिलेशनशिप हम डिस्कस कर ले, स्टेजेस के रीजन दे रखे हैं, वो रीजन मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू की बात नहीं। जो एक आधा कंसेप्ट रह गया स्टेजेस के, रीजन स्टेजेस होगी ना, एक मुझे क्या बताना है रिलेशनशिप, और वो जो तीन स्टेज है वो मैं बता दूंगा, मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ, रेलेवेंट हम इतना बता देंगे। रिटर्न टू स्केल से तो हमारा हो ही गया। अब मुद्दे की बात ये है, कल अभी के लिए लोग इको के लिए आ जाओ अभी कल, ठीक है ना। और इको में ही जो यूनिट वन का पेंडिंग कंसेप्ट है, यूनिट टू में तो खाली डाउट्स हैं, कोई पेंडिंग कंसेप्ट नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे बच्चे बेटा अगर क्वेश्चन सोल्व करके आ पाए, जितना बच्चा मैक्सिमम करके आ सके, क्योंकि कल करोगे क्या आप, मैं ये बताऊँ ना, नहीं देखे तो बेटा जिसका जहां पे भी है, जो बच्चा जहां स्टैंड कर रहा है, कल आए, कल कोशिश करे कि कम से कम हर एक बच्चे की दो यूनिट तो कंप्लीट हो, और डाउट्स अगर ये कंप्लीट हो जाए, जिस पे एक्स्ट्रा टाइम है वो क्या देख लेगा, क्वेश्चन। कल अभी किसी के लिए बुलाते हैं, इको के लिए सेम टाइम 2-3, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। और बेटा एक बात मेरे